तो इस वक्त हमें हरियाणा पवेलियन के हरियाणवी परिधान के स्टॉल पर आप देख रहे हैं कि ये जो चूंदर, जी हाँ, हरियाणवी चूंदर है, ये यहाँ पर ली जाती है। तो बात करेंगे, यहाँ पर अंजू मैम पहुंची हैं गुरुग्राम से, जिन्होंने ये स्टॉल लगाया है हरियाणवी परिधान का। जानेंगे कि प्राचीन समय में जो तो हरियाणा संस्कृति में ये जो परिधान इस्तेमाल किए जाते थे, आजकल ये कितने ट्रेंड में है। मैम, क्या कुछ आप बताना चाहेंगी कि कितना ट्रेंड में है आजकल ये हरियाणवी परिधान? कहीं ना कहीं जो हरियाणवी संस्कृति के बारे में भी अगर बात करूँ तो वो एक तरह से लुप्त होती जा रही है, खत्म होती जा रही है, लेकिन आप हरियाणवी पवेली में आपने ये स्टॉल लगाया है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगी परिधान के बारे में, हरियाणा ड्रेसेस के बारे में? बिल्कुल, हमारा एक्चुअली मेन मोटिव ही यही है कि हम सबसे पहले कि यूथ को जोड़े, यूथ जुड़ेगा तभी जो हमारी पुराना लोक परिधान दामन है ये बचेगा, और यूथ को जोड़ना है तो इसको हमें थोड़ा मॉडिफाई भी करना पड़ेगा ताकि उन्हें अट्रैक्टिव लगे। तो यही है कि बाकी जो आप इसकी रेगुलरिटी की बात कर रहे हैं, लोगों का भी इतना टेस्ट चेंज हो चुका है। जैसे आप फंक्शन देखते थे, गुजरात में प्रोग्राम होते हैं, गुजराती गरबा में अपना ट्रेडिशनल डालते हैं, अपनी लोहड़ी पे डालते हैं, अब उनकी देखा देख लगाइए, ये अपने कल्चर से जो लोग देख रहे, एक दूसरे को देखकर मोटिवेट हो रहे हैं, और इनमें थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो अब ये लोगों के लिए भी इतना अट्रैक्टिव हो गया कि आप रेगुलर इस पे काम कर सकते हैं। और हमारा जो हरियाणा प्रदेश का नाम है आजकल, वो पूरी दुनिया में जो है हरियाणा अपना नाम कर रहा है, तो ये बताइए कि ये जो इंडस्ट्री है अपने हरियाणवी ड्रेसेस की, जो इसका रिस्पॉन्स कैसा मिलता है आपको? रिस्पॉन्स ये है कि मैम, अगर आपको क्लाइंट को रोकना है तो उसको सुनना पड़ेगा। अब तक आप जो कर रहे थे ना, वो देखा देखी कर रहे थे, अब जब हम इस प्रोफेशन में, मैं पिछले 2 साल से हूँ, तो ट्रेंडिंग हमने ये ले उठाया, पहले हम फीमेल्स को लेकर चले थे 2 साल से लेकर ऑल जो पूरा साइज होता है, उसके बाद हमने मेल्स को साथ में किया। अब मेल्स का जैसे पगड़ी है, फीमेल का दामन कर दिया, उसकी जैकेट है उससे प्रिंट ले लिया, तो मतलब दोनों को एक साथ लेकर चल रहे हैं, तो लोग उससे बड़ा इंस्पायर होके अपना आगे चल रहे हैं। मैम, ये जो दामन में जो आप फैब्रिक यूज करती हैं, क्या ये भी टाइम के साथ चेंज हुआ है? बिल्कुल, अब तक मैं दामन के अंदर 12 फैब्रिक्स पे काम कर चुकी हूँ, जिसके अंदर डोला सिल्क है, वेलवेट है, वो वेलवेट का उधर भी पीस रखा है। अब उसके साथ साथ देखो, ये हैंडवर्क है, पहले कहते थे ना रुपए को धेला कहते थे, कोड़ी कहते थे, तो कहते थे ना एक कोड़ी का मानस नहीं है, इंसान नहीं है, तो उसी के अकॉर्डिंग एक कोड़ी का फूल बना के उसका हैंडवर्क दिखाया गया है, और उसमें मिरर वर्क के साथ है। आजकल जैसे कह सकते हैं कि कपड़ों की वैरायटी में भी बहुत फर्क आया है, इंडो वेस्टर्न जो आजकल चल पड़ा है, एक ट्रेंड चला है, तो ऐसा कुछ आपने ट्राई किया इस तरह का फ्यूजन? किया है मैम, अभी लास्ट ईयर हम रत्नावली फैशन शो के में भी एक पार्टिसिपेट किया था एक टीम के साथ। और दूसरा ये है कि जब आप इंडो वेस्टर्न फ्यूजन उठाते हैं, उसमें आप बूट्स लेते हैं, आप हर टाइम जूते कैरी करते हैं, आप कुर्ते की जगह टी शर्ट यूज कर लेते हैं, ज्वेलरी में भी आजकल ऑक्सीडाइज में इतना हो गया है, तो वो भी ट्रेडिशनल के साथ साथ ऑक्सीडाइज में भी काम करती है। क्या कहना चाहेंगे कि ये भी हमारा कल्चर है, हरियाणवी हमारा परिधान है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे कि अपनी संस्कृति को, अपने इस परिधान को किस तरह से बचाया जा सके? मेरा मतलब, मैं बता रही, मेरा उद्देश्य यही है यूथ को जोड़ना, और यूथ को जोड़ने के लिए जितने एक्सपेरिमेंट्स मैं कर सकती हूँ इस ड्रेसेस में, मैं उतने ही करना चाहूंगी, ताकि यूथ जुड़ेगा तभी हमारा लोक परिधान बचेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो लोग पहुंचे हुए हैं हरियाणी दामन को लेके, कितना ज्यादा उनमें अट्रैक्शन है, क्योंकि अंजू मैम ने है बहुत अच्छा काम किया हुआ है अपनी हरियाणवी संस्कृति को बचाने के लिए, अपने परिधान को बचाने के लिए। यहाँ पर जो है बहुत सुंदर सुंदर जो है आपको चुनरी देखने को मिलेंगी, हरियाणवी परिधान है यहाँ पर, और ये देखेंगे कि बहुत सुंदर सुंदर रंगों में और बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन में जो है आपको इस स्टॉल पर जो हमारे हरियाणा के जो परिधान थे, जो हमारे प्राचीन समय में चलते थे, एक बार फिर से जो है वो ट्रेंड में आ रहे हैं, और बहुत ही सुंदर जो है वर्क यहाँ पर जो है अंजू मैम द्वारा यहाँ पर किया गया है। हरियाणा पवेलियन के स्टॉल पर आप जरूर आइए, और हरियाणा की जो शान है, हमारे परिधान है, उनको आप जरूर यहाँ से लेके जाइए, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आजकल जो है जो फ्यूजन एक तरह से कह सकते हैं, जिस तरह से इंडो वेस्टर्न हम कपड़े जो पहनते हैं वो ट्रेंड में है, इसी तरह से अंजू मैम ने उसके साथ भी वर्क किया है। बहुत अलग अलग तरह के बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पर आपको हरियाणवी ड्रेसेस मिलेंगी, तो आप हरियाणा पवेलियन के स्टॉल पर जरूर पहुंचिए, और हरियाणा संस्कृति के इस रंग में जरूर रंगिए।